जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फैक्टर। मेरे वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं फायर की वीडियो शेयर करता हूं। मेरा आज एक फिर एक वीडियो लेकर आया हूं, फायर पंप रूम। फायर पंप रूम किसे कहते हैं? कई जो निजी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंगों में पर्सनल मैनेजमेंट होता है। बिल्डिंग हो सकती है मॉल, हॉल, होटल, हॉस्पिटल। बेसमेंट में टैंक बनाया जाता है, फायर का रिजर्व टैंक बनाया जाता है। साइड वॉल टाइप भी हो सकता है, उसके ऊपर एक पंप रूम बनाया जाता है जिसमें विशेष प्रकार के पंप लगाए जाते हैं। और पंपों का इस्तेमाल इन केस ऑफ इमरजेंसी फायर फाइटिंग में पानी के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, उसको हम पंप रूम कहते हैं। इसमें लोहे के सेक्शन हेडर लगे रहते हैं। ये क्या कहते हैं, एक तरफ से फुटबॉल लगे रहते हैं, दूसरी तरफ से पानी इनके अंदर भर रहता है। तो इनमें अलग से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये पानी को उठा के रखते हैं। तो मैं आज पंप रूम में हूँ दोस्तों। पंप रूम में सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए मैं जहाँ पर अवेलेबल हूँ, जिस पंप रूम में अवेलेबल हूँ, इसमें साइड वाला टैंक है। ये साथ में देखिए टैंक लिखा हुआ है, वाटर टैंक। इस टैंक के साथ में ये देखिए, ये टैंक में कनेक्शन जा रहा है। कनेक्शन के साथ में ये स्लूज वाल लगा हुआ है, स्लूज वाल लगा हुआ है। ये क्या है, जो घड़ी की दिशा होती है, घड़ी जिस क्लॉकवाइज जिसको हम बोलते हैं, उस दिशा में बंद होता है और घड़ी के अपोजिट साइड में खुलता है। ये जो हैंड लगा हुआ है इसको सेक्शन हेडर हम बोलते हैं। ये हर बिल्डिंग में लगा रहता है, इसको हाईलाइट सेक्शन हेडर हम बोलते हैं। इसके साथ में देखिए जॉइंट दे रखा है, जॉइंट देने के बाद कनेक्शन दिया हुआ है। ये यहाँ पे जोकी पंप है। ऐसे जो वाल लगे रहे वाल होते हैं, इनको हम बटरफ्लाई वाल बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। ये पानी को खोलने और बंद करने के काम आते हैं। ये 3 इंची, 4 इंची हो सकते हैं, 6 इंची और 10 इत्यादि प्रकार के होते हैं। ये मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए जोकी पंप है, जोकी पंप लगा हुआ है और साथ में जोकी पंप की जो लाइन लगी है इसमें एनआर भी लगी हुई है, जिसको हम नॉन रिटर्न वाल बोलते हैं। नॉन रिटर्न वाल क्या होता है, जो लेता है वापस नहीं देता है। और यहाँ पे भी फिर बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है और इसके बाद में ये डिलीवरी हेडर लगा हुआ है। और इन पंपों को ऑटो में चलाने के लिए प्रेशर स्विच लगा हुआ है। प्रेशर स्विच क्या करता है, ये ऑटोमेटिक पंप को चलाने के काम आता है। चलाने के काम क्या आता है, देखिए पैनल जो होता है इलेक्ट्रिक पैनल, उसमें अगर हम एक नंबर पे करते हैं तो ऑटो पे होता है, दो नंबर पे करते हैं तो मैनुअल होता है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रेशर स्विच में सेट करा हुआ है। इसमें रेंज है और डिफरेंशियल। रेंज के अंदर क्या होता है कि हमने इसको कितने प्रेशर पे बंद करना है, यानी मैंने इसको 6.5 kg पे बंद करना है तो मैं रेंज पे 6.5 kg करूंगा। और डिफरेंशियल का मतलब है कि मुझे इसको कितने प्रेशर पे स्टार्ट करना है, वो प्रेशर इसमें रहता है। ये पंप ऑटोमेटिक भी होते हैं, ये पंप मैनुअली भी होते हैं। इनको ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, मैनुअली भी चला सकते हैं। साथ में एक पंप लगा हुआ है, इसको डीजी पंप बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है डीजल जनरेटर फायर पंप। ये डीजल जनरेटर फायर पंप क्या होता है, अगर फायर फाइटिंग करते दफे हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, तो हम डीजी पंप का अगर इसकी एमसी भी हमने ऑन करी हुई है तो ऑटो पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसको मैनुअली भी चला सकते हैं, मैनुअली का ये पैनल ऐसा होता है, हम इसको चाबी से भी ऑन कर सकते हैं और हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। साथ में देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी डीजी पंप की जो लाइन है, डीजी पंप पे जाके ये डिलीवरी हेडर पे यहाँ लगी हुई है और इसमें भी बटरफ्लाई वाल लगे हुए हैं। ये देखिए बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है, ये बटरफ्लाई हमारा वाल लगा है। और ये 6 इंची की लाइन इसमें जाने के बाद ये जो हमारा सेक्शन हेडर लगा हुआ है ये 8 इंची का है, इसमें सेक्शन हेडर लगा हुआ है। और ये डिलीवरी हेडर है जहां से हमारी डिलीवरी की लाइनें जाती है। लाइन जाने के बाद में नेक्स्ट पंप का आप ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रेंट पंप लगा हुआ है, इसको हाइड्रेंट पंप भी बोलते हैं, इसको स्टैंड बाई पंप भी बोलते हैं और इसको मैन पंप भी बोलते हैं। जितने भी फायर फाइटर्स मेरी बात सुन रहे हैं, जितने भी दे रहे हैं, उसको ध्यान दें। ये हाइड्रेंट पंप, स्टैंड बाई पंप, ये जोकी पंप की क्षमता खत्म होने के बाद में, जब उसकी पंप की क्षमता खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, और जब इसकी भी क्षमता खत्म हो जाती है तो लास्ट पंप मेरे पास है जिसको हम स्प्रिंकलर पंप बोलते हैं। स्प्रिंकलर पंप की जब क्षमता खत्म हो जाती है तो हमारा सबसे लास्ट पंप होता है डीजी पंप, जो स्टार्ट होता है। ये पंप ऑटोमेटिक भी होते हैं, ये पंप मैनुअली भी होते हैं। इनका इस्तेमाल बिल्डिंगों में फायर फाइटिंग के दौरान प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, फायर से प्रेशर से पानी को आग तक पहुंचाने के लिए हम करते हैं। और ये क्या होता है, बिल्डिंगों में दो प्रकार के सिस्टम लगे होते हैं,
इनको हम वाटर बेसिस सिस्टम भी बोलते हैं, यानी पानी के द्वारा चलाए जाने वाले सिस्टम भी होते हैं और नॉन वाटर बेसिस सिस्टम भी होते हैं जो पानी के द्वारा अन्य सिस्टम होते हैं, जैसे FM 200 सिस्टम हो सकता है, इनर्जन सिस्टम हो सकता है, फोम टोटल फ्लोडेड सिस्टम हो सकता है, DCB टोटल फ्लोडेड सिस्टम हो सकता है, और इसके अलावा भी आजकल डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम चले हुए हैं जो बिल्डिंगों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के भी साधन लगे हुए हैं। ये प्रेशर यहाँ देखिए, प्रेशर लगे हुए होते हैं कि हमने कितना प्रेशर मेंटेन करा हुआ है, ये प्रेशर गेज लगा हुआ है साथ में। प्रेशर गेज क्या होता है कि हम जो जिस भी लाइन पे इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल दिखाते हैं कितना प्रेशर लाइन के अंदर है, और प्रेशर के साथ साथ में कि बिल्डिंग का एरिया कितना है, कितनी हाइट की बिल्डिंग है, जितनी भी हाइट होती है हर 10 मीटर पे एक बार का प्रेशर कम हो जाता है। ये साथ में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एयर विशन टैंक है, लाइन के अंदर कहीं भी एयर जाती है तो इसमें वाल लगा हुआ है, एयर विशन लगी हुई है जो इसको हवा को निकालने के काम आती है, और जिससे हमारे पंप पानी को उठा लेते हैं, क्योंकि जब तक लाइन के अंदर एयर रहती है तो पंप क्या होते हैं, पानी को नहीं उठाते हैं और वो प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसमें एयर विशन टैंक लगे होते हैं, और कहीं भी बिल्डिंग की लाइन जितने भी राइजर्स होते हैं उसमें भी एयर विशन लगी होती है लास्ट में, लास्ट फ्लोर के ऊपर जो लाइन की एयर को निकालने के काम आती है। अब मैं इसको आपको इलेक्ट्रिक पैनल दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिक पैनल में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए ये इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पैनल में ये लगा हुआ है हमारे पास, ये देखिए एक नंबर पे ये ऑटो पे चलता है, दो नंबर पे मैन्युअली चलता है, और दो नंबर पे अगर मैन्युअली चलाना है तो ग्रीन वाले बटन को आपको ऑन करना होगा, इसको प्रेस करना होगा जिससे स्टार्ट हो जाएगा, और रेड वाले बटन से हम आप इसको बंद कर सकते हैं, जैसे ही आप रेड पे दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पंप होता है, ये मेरा मेन पंप है, इसको स्टैंड बाई पंप भी बोलते हैं, जो मेन पंप बोलते हैं, स्टैंड बाई पंप बोलते हैं, और हाइड्रेंट पंप बोलते हैं। ये जोकी पंप है, और ये स्प्रिंकलर पंप यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे स्प्रिंकलर पंप में है, एक पे करेंगे तो ऑटो पे है और दो पे करेंगे तो मैनुअल है, और जीरो जहाँ पे लगी हुई निशान भी बना हुआ है ये बंद है, और इसको चलाने के लिए ग्रीन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो पे तो ऑटोमेटिक चलता ही है क्योंकि इसमें प्रेशर स्विच लगा हुआ है, अगर मैनुअली इसको चलाना है तो आप ग्रीन बटन को ऑन कर सकते हैं, और दो पे करके ग्रीन बटन को ऑन कर सकते हैं, और मैनुअली बंद करना है तो रेड बटन को बंद कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए पंप क्या होता है, पंप एक मशीन की तरह होता है, पंप कभी भी अपना आप नहीं चलता है, इसको किसी भारी ताकत की जरूरत होती है, भारी शक्ति की जरूरत होती है जिसके द्वारा इसको चलाया जाता है। और पंप क्या होता है, एक प्रकार की मशीन होती है जो किसी लिक्विड या गैस पदार्थ को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाने ले जाने के काम आती है, उसको ही हम पंप बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पूरी फायर सर्विस के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही इस्तेमाल किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को ही फायर पंप बोलते हैं जो फायर सर्विस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जय हिंद जय भारत, अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।